Good morning, students. This video is for class 4 science, and we have completed the chapter 2 explanation in the previous video, and in this video we will complete all the book work and the copy work of this chapter. So let's start with the book work. Question number 1 is multiple choice questions. Multiple choice questions. Question number 1 is, which one of the following is an insectivorous plant? यानी कि इनमें से कौन सा insectivorous plant है? Correct option is pitcher plant. Second question is, water hyacinth क्या होता है? तो वो है एक floating aquatic plant. Question number 3 is, which one of the following is not a fiber yielding plant? इनमें से कौन सा fiber, जिस plant से हमें fiber नहीं मिलता वो plant है? करेक्ट ऑप्शन इज देवदार प्लांट. क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंकोना प्लांट इज, तो वो क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट है, जिससे हमें मलेरिया के लिए मेडिसिन मिलती है. नेक्स्ट इज मैच कॉलम ए विद कॉलम बी यूजिंग डिफरेंट कलर पेंसिल्स. इफ़ यू हैव डिफरेंट कलर पेंसिल्स देन यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यू कैन जस्ट फिल इट विद द नॉर्मल पेंसिल. फर्स्ट इज ब्रिंजल प्लांट. ब्रिंजल प्लांट क्या है? एक वेजिटेबल है. नेक्स्ट इज रोज प्लांट, वो क्या होता है? ऑर्नामेंटल है. रबर प्लांट, रबर्स. शुगर बीट से क्या मिलती है हमें? शुगर. कोकोनट प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, और टी लीव्स से हमें बेवरेज मिलता है एक. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वी विल कंप्लीट इट लेटर. नेक्स्ट इज If the statement is right, draw a happy face, and if the statement is wrong, draw a sad face. तो क्या करना है आपको, अगर जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको एक स्माइली बनानी है, हैप्पी फेस बनाना है, और अगर करेक्ट नहीं है तो आपको एक सैड फेस बनाना है. लेट्स स्टार्ट. वी गेट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर प्लांट. सनफ्लावर प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, तो स्माइली मिलता है. नेक्स्ट इज वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स ऑफ द ट्री. हमें रबर लेटेक्स से मिलती है, ये भी करेक्ट है, लेटेक्स से ही मिलती है हमें ट्री के रबर. थर्ड इज नीम ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग. नीम ऑयल को हम कुकिंग में यूज़ करते हैं? नो, वो कड़वा होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? सैड फेस बना देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज लोटस ग्रोज इन वाटर. लोटस जो होता है वाटर में ग्रो करता है, स्माइली फेस बनाएंगे, करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 इज कैक्टस इज एन एक्वेटिक प्लांट. कैक्टस क्या है? एक्वेटिक प्लांट है? नो, कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट. इसमें क्या बनाएंगे? एक सैड फेस. क्वेश्चन नंबर 6 इज मोल्स आर फंगी. मोल्स क्या है? फंगी है, ये करेक्ट है. इसमें स्माइली बनाएंगे. बुक वर्क इज डन. नाउ नेक्स्ट इज योर वर्ड मीनिंग्स. हियर आर योर वर्ड मीनिंग्स. नंबर 1 इज अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन. हैबिटेट आवास. टेरिस्ट्रियल प्लांट्स स्थलीय पौधे. कोस्टल एरियाज तटीय मैदान. डेजर्ट्स मरुस्थल. स्पाइन काटा. एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे. सबमर्ज्ड यानी कि जलमग्न होना. पैरासाइट्स परजीवी. इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी. बेवरेजेस पेय पदार्थ. एडिबल यानी कि खाने योग्य, जिसको खाया जा सके. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट. यानी कि हैबिटेट क्या होता है, आपका क्या मीनिंग मतलब है हैबिटेट से. आंसर इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और अ प्लांट लिव इज नोन एज इट्स हैबिटेट. यानी कि वो जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में और एक्वेटिक प्लांट्स में क्या डिफरेंस है. आंसर डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. तो बीच में आप लोग एक लाइन बना के एक साइड लिख लेना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड ऑन द अदर साइड राइट एक्वेटिक प्लांट्स. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. यानी कि जो लैंड पर ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. और जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सम डेजर्ट प्लांट्स व्हाई आर देयर स्टेम सॉलन. कुछ डेजर्ट प्लांट्स के नाम बताने हैं और उनका स्टेम सॉलन क्यों होता है, फूला हुआ होता है, ये क्यों होता है ये बताना है. सम डेजर्ट प्लांट्स आर कैक्टस मेस्क्वाइट एंड कैट्स क्लो. देयर स्टेम्स आर सॉलन बिकॉज दे स्टोर वाटर इन स्टेम. यानी कि वो वाटर स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, इसलिए उनके स्टेम सॉलन होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ एनी 2 प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स एंड नेम देम. यानी कि कोई भी 2 प्लांट्स आपको ड्रॉ करने हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनका नेम बताना है. सो हियर इज फर्स्ट वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सेकेंड इज सनड्यू प्लांट. आपको ये दोनों पिक्चर्स ड्रॉ करनी है ऐसे ही अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्डिमेंट्स. यानी कि मसालों के आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं. 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्डिमेंट्स आर कार्डमम, क्लोव, पेपर. ये 3 एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 नेम द प्लांट्स दैट गिव अस फाइबर. उन प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है. तो प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, हैम्प एंड कोकोनट गिव अस फाइबर. वो हमें क्या देते हैं? फाइबर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ इज रबर मेड एंड हाउ इज इट यूजफुल. रबर कैसे बनाई जाती है और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है. वी गेट रबर आउट ऑफ द ट्री. स्लेंटिंग कट्स आर मेड इन द बार्क ऑफ अ रबर ट्री एंड द सैप इज कलेक्टेड एंड ड्राइड इन द फैक्ट्रीज एंड मेड इन टू रबर. इट इज यूजफुल इन मैनी वेज लाइक इन डोर्स, हॉर्सेस, टायर्स इत्यादि. क्या है, हमें लेटेक्स, हम प्लांट छोटे छोटे कट लगाते हैं बार्क पर, जिससे क्या होता है सैप कलेक्ट कर लेते हैं हम, जिसको लेटेक्स बोलते हैं, और उसको ड्राई किया जाता है फैक्ट्रीज में और उसके बाद उससे रबड़ बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फंगी, नेम द सिंपलेस्ट फंगी. यानी कि फंगी क्या है और सबसे सिंपलेस्ट फंगी का नाम आपको बताना है. सो द आंसर इज प्लांट्स दैट डोंट प्रोड्यूस सीड्स, दे हैव नो रियल रूट्स और स्टेम एंड दे आर नॉट ग्रीन, दीज आर फंगी. सिंपलेस्ट फंगी इज मोल्ड. तो वो प्लांट जो कि सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते, ना उनकी कोई रियल रूट्स होती है, ना स्टेम्स होते हैं, और वो ग्रीन भी नहीं होते, उन्हें फंगी कहते हैं. और सबसे सिंपलेस्ट फंगी क्या होती है? मोल्ड. सो दैट्स इट फॉर योर बुक वर्क एंड कॉपी वर्क.